अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अय्यूब, एमएएस ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम और सच्ची खबर। आज गाजी मिलत कॉलोनी में एक यूजी केबल जो ओपन पड़ा हुआ था गुत्तेदार की लापरवाही की वजह से, एक छोटी सी मासूम लड़की और इनके चचा जो वहाँ करीब में बैठे रहते हैं उनको शॉट लगने की वजह से फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। जैसे ही ये इत्तला मुझे मिली, नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर फौरी मैं और मेरे मुकामी इब्तदाई के सदर मुतबीदीन और वर्कर्स यहाँ पर पहुँच कर मजमे को कंट्रोल किया और करंट डिपार्टमेंट के एडी सीबीडी मधुसूदन साहब की लापरवाही की वजह से इतना वाकया पेश आया। और इसके जिम्मेदार शोएब यूजी केबल के कॉन्ट्रैक्टर शोएब है, जो 4 दिन से केबल को ओपन रखे, जिसकी वजह से वाकया रोनुमा हुआ। जैसे ही हमने डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट किया तो 2 घंटे ये लोग लेट कर दिए, डीले करे, इसकी वजह से इतना बड़ा वाकया हुआ। और इसमें जिम्मेदार एडी मधुसूदन साहब जो सीबीडी के हैं, रेडी फलकनुमा और ख़ास तौर पर एई मेंटेनेंस राजेंद्र सिंह बिल्कुल लापरवाह आदमी है। हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सीई साहब से इसके खिलाफ फौरी एक्शन लेते हुए यहाँ के मेंटेनेंस एई को जो है फौरी यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि जो है यहाँ पे कामों को कोताही लापरवाही इतनी हो रही कि यहाँ पर कई रस्टेड पोल है, जिसकी वजह से शॉट वगैरह हमेशा लगते रहता है। तो हमने उनको सीमेंट पोल डालने के बाद कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया। असदुद्दीन नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के लेटर पे भी हमने जो है नुमाइंदगी की, कोई अमल नहीं हो रहा है। यहाँ पर कई जगह जो है तो आपके कंडक्टर है उसको केबल में तब्दील करने के वास्ते दरख्वास्त की, उस पर भी अमल नहीं हो रहा और बिल्कुल लापरवाही है। कोई काम नहीं यहाँ पर बराबर तरीके से नहीं होता। आए दिन ऐसे वाकत हो रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के सीई साहब से मैं मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ फौरी एक्शन में आते हुए हरकत करें, ताकि आइंदा कोई ऐसा वाकया अमल में ना आए। और मैं हुकूमत से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतालबा करता हूँ, जो जख्मी हैं उनका फौरी जो है तो परफेक्ट होकर घर पर आने तक जो है उनका इलाज और उनके लिए मुआवजा का जो भी इंतजाम है कराने की कोशिश करें। मासूम लड़की है और उनके चचा है, दोनों को असरा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। लड़की कितने साल की? 4 से 5 साल की लड़की है, 1.5-2 साल की लड़की है। और वो साहब जो जख्मी हुए दूसरे साथ में बैठे हैं तो 30 साल के हैं। रिश्ते में चचा भतीजी है दोनों। वो लोगों को असरा में शिफ्ट किया गया है, अभी उनका इलाज जेरे इलाज है, आउट ऑफ डेंजर है। अलहमदा मुकामी लोगों की मेहनत की वजह से बड़ा वाकया होने से टल गया। आज
कि हमारा चैनल आपको पसंद आए और हम इसी तरह से आपके लिए अहम और सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक।